बिल्कुल बिल्कुल निराधार है। देखिए सीधी बात है, 2018 में शायद लगभग 200-300 नर्सिंग कॉलेज, मैं अनुमान से बता रहा हूँ आपको, 2019-20 और जिस सूची के बारे में विश्वास सरन जी बात कर रहे हैं उसमें लगभग 348 या कुछ कॉलेज हैं। सिर्फ वृद्धि 323, वृद्धि मात्र 40 या 80 कॉलेजों की है और वो सूची है कॉलेजों की। अब वो मतलब एक जो हम कहते हैं यूनिवर्सल सूची है, जो भी कॉलेज जिनके नाम है सबकी सूची है। लेकिन विश्वास सारण जी ये बात नहीं कहते कि 2021 मई में जो यही सूची उनके कार्यकाल की है उसमें 448 या 448 से वही आंकड़ा पहुंच जाता है 657 पर। मतलब विश्वास सारण जी के कार्यकाल में वो भी वो कार्यकाल वो समय जो रहता है कोरोना काल, मतलब मार्च 2020 से लेके मई 2021 के बीच में, जब पूरा देश कहीं ना कहीं और पूरा प्रदेश भी कोरोना की आपदा से परेशान था, उसी समय ये माननीय उस समय के हमारे मंत्री आपदा में अवसर ढूंढ रहे थे। अकेले उनके उस एक साल में 50 या 60 नहीं, 100 नहीं, 220 कॉलेज और नए आ जाते हैं, तो उस पर भी तो उनको बात करनी चाहिए। वो हमारे कार्यकाल के 40-80 कॉलेज की बात कर रहे हैं, उल्टा उनके कार्यकाल में 200 और कॉलेज आ रहे हैं, उसके बारे में क्या? पत्र 11/1/2019 किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार। आम सूचना, समस्त नर्सिंग संस्थाएं शैक्षणिक सत्र 2018-19 में नर्सिंग मान्यताओं के संबंध में ये साइन किसके? सुजू फॉर। ये रजिस्ट्रार कहां थी? आज सुजू को लेकर हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। फॉर करके डिप्टी रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार के अधिकारों को एंजॉय कर रहा। और ये देखिए पूरे में सुनीता सुजू 11/1/2019 ये पूरे 350 बार ये कॉलेज और ये दो कॉलेज हम पर इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने झूठ बोला। मुझ पर बोल रहे हैं कि मैंने भ्रामक जानकारी विधानसभा में दी। मैंने कोई भ्रामक जानकारी नहीं दी, मैंने तथ्यों के साथ बात की, मैंने अपना वर्वेटम भी दिया है आपको। मैंने सुनीता सुजू के दस्तखत से कांग्रेस के समय पर जो मान्यताएं हुई है वो भी मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं। जो भी यूनिवर्सिटी का मामला कागज था वो भी मैं दे रहा हूं। तो ये दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ गया है। केवल कीचड़ उछालने के लिए मेरे पर कीचड़ के दाग लग जाए, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए षड्यंत्र के तहत ये काम चल रहा है। और मैं समझ रहा हूं मैं बहुत जल्द से जल्द इस षड्यंत्र का भी पर्दाफाश करूंगा कि इसके पीछे कौन है जो झूठ का सहारा लेकर मुझ पर इल्जाम लगाकर मुझे झूठा तय कर रहे, नारे लग रहे। दो दिन से विधानसभा नहीं चलने दी जा रही जबकि मैंने तथ्यों के साथ बात की। आपने जो प्रश्न उठाए उसका मैंने हर एक का जवाब दिया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।